अस्सलाम वालेकुम इलेक्ट्रिक कॉस्मिक शांति। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में ये इसके मल्टीमीडिया के बटन हैं जो इसके साथ काम नहीं कर रहे हैं। जब भी हम कोई भी गाड़ी में बाद में एलसीडी इंस्टॉल करते हैं तो इसकी कैलिब्रेशन होती है उसके साथ, और वो कैलिब्रेशन इसकी आउट हो जाए। आउट होने की वजह यह होती है कि हम जब भी बैटरी की वायर वगैरह उतारते हैं तो इसकी कैलिब्रेशन ख़त्म हो जाती है, हमें दोबारा कैलिब्रेशन करनी पड़ती है। अब हम इस वीडियो में देख सकते हैं ये इसके ये काम नहीं कर रहे हैं। ये हम कोई वीडियो को ऑन करते हैं, ये वीडियो को ऑन के इससे मैं वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर रहा हूँ लेकिन ये काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ से जैसे ही मैं वॉल्यूम को कम करता हूँ तो ये कम भी हो रहा है और ज्यादा भी हो रहा है। लेकिन यहां से मैं कम या ज्यादा करता हूं तो ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो हम इसकी कैलिब्रेशन करेंगे। कैलिब्रेशन करने के लिए हम इसके होम बटन में जाएंगे। यहां से होम पे जाने के बाद ये एप्लीकेशंस आ गई, तो यहां आपको कार सेटिंग नजर आ रहा है, लिखा आ रहा है कार सेटिंग। इस पर क्लिक करेंगे। कार सेटिंग पे क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन आने शुरू हो जाएंगे। ये सिर्फ ग्रैंडी वगैरह में नहीं है, ये जिस गाड़ी में बाद में हम एलसीडी इंस्टॉल करवाएंगे तो सारों में एक ही सिस्टम है। तो ये यहाँ से कार सेटिंग पे जाएंगे। कार सेटिंग पे जाने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो स्टीयरिंग लर्न लिखा आ रहा है, ये स्टीयरिंग लर्न पे क्लिक करेंगे तो ये सामने से ऑप्शन आने शुरू हो गए। जब ये ऑप्शन आएंगे तो हमें ये जो सब हमें मल्टीमीडिया के बटन नज़र आ रहे हैं तो इधर से कैलिब्रेशन करते वक्त जब हम वॉल्यूम अप वाले बटन को क्लिक करेंगे तो उधर से हम वॉल्यूम अप वाले बटन को टच करेंगे तो ऊपर सेटअप सक्सेस लिखा आएगा, ना छोटा सा गुड का निशान आ जाएगा। उसके बाद हम वॉल्यूम लो वाले बटन को क्लिक करेंगे, उधर ऑप्शन जो आ रहा है वॉल्यूम लो वाला तो उसको टच करेंगे और ऊपर लिखा आ जाएगा सेटअप सक्सेस और छोटा सा गुड का निशान आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले बटन को क्लिक टच करेंगे तो उस पर भी सेटअप सक्सेस लिखा आ जाएगा और साथ टिक का निशान आ जाएगा। जब हम बैक वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो उसके साथ भी सेटअप सक्सेस आ जाएगा। जो सा नीचे वाला बटन है इसे हम वॉल्यूम को ऑफ करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑन मोड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम वॉल्यूम को ऑफ करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए पहले बटन को हम पुश करेंगे और उसके बाद उस स्क्रीन पर उसको टच करेंगे वॉल्यूम ऑफ वाले ऑप्शन को। तो अब हम चेक करेंगे इसे चलाकर कि ये काम करता है या नहीं। कोई भी सॉन्ग प्ले करेंगे हम, सॉन्ग प्ले करने के बाद हम देख सकते हैं इसका वॉल्यूम अप हो रहा है और इसका वॉल्यूम कम भी हो रहा है। नेक्स्ट वाले बटन से इसका नेक्स्ट वाला सॉन्ग को प्ले करेंगे, नेक्स्ट वाला भी हो रहा है। अब बैक वाले बटन से इसको बैक प्ले करेंगे, वो भी हो रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।